हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तफ़सीर उल बयान में मौजूद है, कहती है एक दिन हुज़ूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अबू बकर की बेटी हक तेरा है, वक्त तेरा है, पर अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। आज हुज़ूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे चले गए। कहते मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, महबूब नजर ना आए, हुजूर की तामद इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामद मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती है जब मैं बाहर गई मस्जिद नबी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानिब, नबी पाक सजदे में थे। कहती है मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा तू कौन है, मैंने कहा मैं आयशा हूं। तो महबूब ने फरमाया ये आयशा कौन है, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी जौजा। फरमाया जौजा क्या होती है, या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की बेटी। तो नबी पाक ने फरमाया ये अबू बकर कौन है। हजरत आयशा कहती है मेरा कलेजा फटने को आया, मैं वहां से परेशान हाल वापस आई, जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी, वापस लौटी तो फिर भी हल्के हल्के कतरे बारिश के गिर रहे थे, मैं आके हामती कामती बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो आयशा क्या हुआ, कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ, या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई, हुजूर अजीब बात है मैं गई हूं आपने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मैं आयशा का, आयशा कौन आपकी जौजा। फरमाया जौजा कौन, अबू बकर की बेटी का, अबू बकर कौन, और फिर हुजूर मैं गई हूं तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए तो कपड़े खुश्क हैं, समझ नहीं आई,